अरोड़ा और हमारे साथ है आज शेफ अरुण। तो शेफ आज क्या बनाने जा रहे हैं आप? आज मैम हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन डिश बना रहे हैं जिसको कि हम लोग चिकन रोलाद कहते हैं। ये एक कॉन्टिनेंटल डिश है और ये काफी लोगों को पसंद आएगी क्योंकि जो बनाने का इसका मेथड है बहुत ही अलग है और बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम लोग मतलब जितने भी यूवर्स हैं उनको ये डिश बना के दिखाएंगे ताकि वो अपने घर में कभी भी उसको बना सकें और टेस्ट कर सकें, खा सकें, अपने गेस्टों को खिला सकें। ठीक है सर, यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी जीवन तो ठीक है पर ये जो रोलाद है, रोलाद वर्ड जो है एक फ्रेंच टर्म है, उनकी बॉडी में हम लोग जब किसी चीज को रोल करते तो उसको हम लोग रोलाद कहते हैं। तो उस वजह से इसका नाम चिकन रोलाद है। तो चिकन रोलाद के लिए सबसे पहले जो हमारे पास इंग्रेडिएंट है वो है चिकन। चिकन का हमने मिक्स किया हुआ है यहाँ पे। तो चिकन में आप लोग चिकन ब्रेस्ट भी खाने भी रह सकते हो। तो हम लोग उसको मिक्स कर लेना है प्रॉपर। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं जो कि हम लोग उसके साथ में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेल पेपर्स लिए हैं, कैप्सिकम, मशरूम, ऑनियंस एंड कैरेट लिया है। उसके बाद जो इन्ग्रीडियंट हमारे पास होंगे उसमें है हमारे पास ब्लैक पेपर, रोजमेरी है, हमारे पास बटर है, स्पिनच है जो कि हमने ब्लांच करके और चॉप करके रखा हुआ है, सॉल्ट है, वाइट पेपर है, ब्लैक ऑलिव जो कि हम जैतून भी कहते हैं इंडिया में। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑयल है, ऑलिव ऑयल, चॉप गार्लिक है, हमारे पास चॉप अनियन है, फ्रेश क्रीम है, थोड़ा सा हमारे पास गार्निश के लिए यहाँ पे सॉस है, टमाटो सॉस और थोड़ा सा मस्टर्ड। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम लोग जो डिश बनाएंगे उसका नाम है चिकन रोलाद। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे हम ब्लैक ऑलिव कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करनी जो ऑलिव है हमारे सीडलेस हमारे बिस्किट ऑलिव यूज नहीं करने। और ऑलिव जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। यहाँ पे हमारे पास चिकन मिंस है, तो सबसे पहले मैं चिकन मिंस को ले लूँगा। उसमें जो इन्ग्रीडियंट डालेंगे सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट जो कि बहुत ही ज़रूरी है। टू टेस्ट आप लोगों ने सॉल्ट डाल लेना है। अगर आपके पास 250 ग्राम चिकन है, जैसे कि मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, उसमें हम लोग 2 टेस्ट सॉल्ट डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ, तो जस्ट हाफ टी स्पून। यहाँ पे हम ब्लैक पेपर जो यूज किए वो क्रश है, फाइन पाउडर की फॉर्म में। हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली मैं दोनों यूज करूँगा, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वही यूज कर सकते हो। अगर ध्यान रहे आप लोगों ने, अगर ब्लैक पेपर क्रश यूज कर रहे हैं तो उसको पहले जरूर थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको क्रश कीजिएगा ताकि जो उसका फ्लेवर है काफी खिल के आए। तो यहाँ पे मैंने दोनों डाल दिए हैं, ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रोजमेरी है जो कि कॉन्टिनेंटल हर्ब्स है। तो हर्ब्स आपके पास जो भी अवेलेबल है आप लोग डाल सकते हो। आपके पास रोजमेरी, थाइम, बेसिल, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स जो भी अवेलेबल है आप लोग डाल सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ड्राई वाला है तो मैं ड्राई डाल रहा हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप लोग फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको जब भी हम लोगों ने ड्राई को डालना है तो हल्का सा उसको क्रश कर लेना है ताकि हमारे मुंह में मतलब ज़्यादा मुंह में ना आए, वो अच्छे से क्रश हो जाए, तो सारे चिकन रोलाद में अच्छे से मिक्स हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड डालेंगे, तो जस्ट हाफ टी स्पून हम लोगों ने यहाँ पे मस्टर्ड डाल दिया है। उसके बाद अनियन की जो क्वांटिटी रहेगी मैं 2 टेबलस्पून डालूंगा यहाँ पे। अनियन भी तो फाइन चॉप करके, हाँ फाइन चॉप पीस कर लें ताकि उनको रोटी में हो और ज़्यादा मोटा नहीं हो हमारे रोटी में। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फाइन चॉप गार्लिक है, तो गार्लिक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, उसको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे मैं जस्ट 1 टी स्पून डाल रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप लोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है जितना भी हम वेस्टर्न कुकिंग बनाते हैं उसमें ऑलिव ऑयल का यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि खाना वो ऑयल होता है उसमें फैट नहीं होता और आजकल जैसे लोग काफ़ी डाइट होते हैं तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग बिना फैट वाला ऑयल यूज करें। तो
तो उसके लिए मॉडिफाइड बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग फोन है या संस्था कुछ भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट मस्टर्ड ऑयल। तो व्यूअर्स याद रखिएगा, मस्टर्ड ऑयल आपको इसमें अवॉइड करना है। और बाकी आप लोग कोई भी ऑयल डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल। तो यहाँ पे जब हम लोगों का मिक्सचर है वो एकदम रेडी है, उसके बाद हम लोग इसको साइड कर देंगे और स्टार्ट करेंगे स्टफिंग बनाना। तो इसको हम साइड कर लिया है। स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था हम लोगों ने स्पिनच लिया है, स्पिनच को हम लोगों ने ब्लांच किया है, ब्लांच उसको जस्ट हमने अराउंड 3 to 4 minutes ब्लांच किया है। एक बॉइल आने पे हम लोगों ने उसको निकाल के स्ट्रेन करने के बाद उसको आइस वाटर में आइस बाथ किया है, ताकि उससे जो कलर है स्पिनच का बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, उसके बाद हम लोगों ने इसको स्क्वीज करके उसका एक्सेप्ट वाटर सारा निकाल के उसको चॉप कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मशरूम्स हैं, तो मैं मशरूम्स भी यूज करूँगा, क्योंकि जो मशरूम और स्पिनच का कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा होता है, तो इसको मैं यहाँ पे स्लाइस कर दूंगा। मशरूम के अलावा भी हम कोई और वेजिटेबल यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ मैम, यहाँ पे हम लोग कॉर्न्स, जो हमारे पास अमेरिकन कॉर्न्स आते हैं उसको हम लोग स्पिनच के साथ मिक्स कर सकते हैं, उसका भी जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा होता है, तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशरूम लिया है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में और हर किसी के घर में मिल जाता है। तो चलिए मैम, हम लोग कुकिंग स्टार्ट करते हैं। आप जला देती हूँ, तो यहाँ पे आपको एक पैन चाहिए, तो पैन अगर नॉन स्टिक है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नॉर्मल है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये है उसको हमको कंटिन्यूसली मिक्स करना पड़ेगा ताकि हम लोग मिक्सचर है वो चले। यहाँ पे मैं हल्का सा ऑयल डालता हूँ और हल्का सा बटर डालता हूँ। तो आप कुछ व्यूअर्स पूछेंगे कि हम लोग ऑयल और बटर दोनों यूज कर रहे हैं, तो उसका जो कारण है अगर हम लोग बटर यूज करेंगे तो बटर जल्दी डालेंगे हमारे स्पिनच में।
चिपके ना और अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और आप लोगों ने इसको किसी भी स्पून या स्पैचुला से नहीं करना, आप लोगों ने हाथ से करना है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से होगा हाथ से। और हम लोगों ने कोशिश करनी है इसकी थिन लेयर बने, ताकि जितनी ज्यादा थिन होगी उतना अच्छा बनेगा और उतना खाने में भी वो अच्छा होगा और उसकी जो लेयर है ज्यादा मोटी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको फ्लैट करना है और आप लोग इसके अंदर स्टफिंग। जैसे कि मिक्सचर हम लोगों का बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो इसको अब हम लोग स्टफ करेंगे। तो स्टफ करने के लिए इसको हम लोग बिल्कुल सेंटर में डाल देंगे और इसको अच्छे से पूरे में स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो हम लोग का मिक्सचर है वो अच्छे से हमारे गुलाब के अंदर मिक्स हो जाए। और जब हम लोग साइज में कटिंग करेंगे तो हर साइज के अंदर हम लोग चॉप आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका होगा, हमको जस्ट 4 to 5 मिनट्स में इसको
पे मैं लीड का यूज कर रहा हूँ। कवर करने के लिए जो भी अपना यूज करनी है, कोशिश करनी है कि उसके अंदर होल होता पास हो चुके। और अगर हमारे पास ऐसा लीड नहीं है तो हम लोग वहाँ पेट यूज कर सकते हैं, लेकिन पेट को हम लोगों ने तुरंत ओपन कर लेना ताकि मेरा पास हो। यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगा, इससे जो टेम्परेचर है उसका हम चेक कर लेंगे ठीक है। और इसको खोलेंगे 15 से 20। यहाँ पे हमारे चिकन को ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए मैम हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास टूथपिक है या कोई भी हमारे पास शार्प एज वाली चीज़ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पिंच करेंगे। पिंच करने के बाद देखेंगे इसमें वाटर है कि नहीं। तो इसमें अगर वाटर है तो मतलब थोड़ा भी कच्चा है, और अगर वाटर नहीं है तो मतलब कुछ तो हम हाँ इसको हम 2 से 3 मिनट करेंगे। और तब तक हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो वेजिटेबल्स है उसकी कटिंग कर लेंगे हम लोग। इसके साइड में हम लोग सॉफ्ट वेजिटेबल सर्व करेंगे, उसके लिए हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बेल पेपर्स हैं, हम लोगों ने कोशिश करनी है हम कलरफुल वेजिटेबल्स का यूज़ करें ताकि जो हमारी डिश है काफ़ी कलरफुल आए। हम लोग पोटैटोज तो मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूँगा कि पोटैटोज डालो, अगर देना चाहो आप फ्रेंच फ्राइज दे सकते हो। अगर वेजिटेबल्स देखा जाए तो वेजिटेबल्स में आप ब्रोकोली यूज कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद आप लोग एस्पैरेगस यूज कर सकते हो, जुकिनी यूज कर सकते हो, इंग्लिश वेजिटेबल यूज करनी है चाहे तो हम लोग कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं। बेबी मैरो हमारे पास एक वेजिटेबल होता है वो डाल सकते हैं हम लोग। तो हमने कोशिश करनी है हम लोग इंग्लिश वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि हम लोग जो डिश है प्रॉपर कॉन्टिनेट बनी है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगा और इसको साइड में करूँगा, तब तक हम लोग वेजिटेबल को कट करेंगे। बची हुई वेजिटेबल्स हैं जैसे कि अनियन और बेल पेपर,
निकालेंगे। मशरूम मैं 2 मिनट के लिए होल्ड करूँगा क्योंकि मशरूम बहुत जल्दी कुक हो जाता है और जो उसका टाइम होता है कुक होने का बहुत कम होता है और वो अगर थोड़ा कच्चा भी हो तो उसका टेस्ट काफ़ी क्लियर सुनी करते हैं, काफ़ी स्टीम इसके अंदर होती है, स्टीम
से बच रहे हैं दोस्तों। तो व्यूअर्स ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो बहुत ही ध्यान से करें ताकि आपका हाथ ना जले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन हमारा एकदम हो चुका है, काफी अच्छा है, जो शेप है काफी अच्छी शेप आई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सेम एज इट इज जो हमने शेप बनाने से पहले अभी रोल करने से पहले दी थी वही शेप अभी भी मैं देख। तो अब मैं कोशिश करनी है हम लोग इसको काफी अच्छा ब्राउन ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर दें ताकि जब हम लोग उसको सर्व करें तो काफी अच्छी लुक आए। अब हम लोग गैस ऑन कर लेंगे। Thank you.
डाल दो, जैसे कि आपको देख रहे हो उसको कोशिश करिएगा फ्रिज में रखना, और जब आपको यूज करना है उस टाइम पे आप उसको बाहर निकालेंगे। इस तरीके से सॉस को गैस मैंने बंद कर दिया है और आप उसको जाएंगे करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों के पास सॉर्टेड वेजिटेबल्स है, उसको हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने कलर के हिसाब से उसको अरेंज करना है, ये नहीं कि आप लोग सारा कलर एक ही पास में डाल रहे हो, आप लोगों ने कलर के हिसाब से उसको अरेंज करना है। आप लोग देख सकते हैं जो वेजिटेबल्स हम लोगों का है काफी कलरफुल लग रहा है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप चाहे तो इसको जैसे मैंने बताया था कि राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप वेजिटेबल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसमें सॉस थोड़ा सा डाल देंगे, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी डिश कैसी लगी है। तब तक के लिए